स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला सुलझा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के तुरंत बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। पर ऐसी कोई व्यवस्था उन राज्यों में नहीं की गई जहां के प्रदेश अध्यक्ष केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्षों को केंद्र में मंत्री बनाया गया, पर वे अब भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। महाराष्ट्र में अगले 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद पार्टी अभी राव साहेब दानवे पाटिल की जगह नया अध्यक्ष नहीं कर पाई। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय को केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनाया गया। बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के जरिए भाजपा ने बिहार में मुख्य विपक्षी राजद की यादव राजनीति को निशाना बनाया था। तो सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि पार्टी इसी राजनीति को आगे बढ़ाती है, कोई नया प्रयोग करती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी केंद्र में मंत्री बन गए। सबसे ज्यादा अटकलें बिहार और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर ही लगाई जा रही है। तेलंगाना में भी पार्टी को जी किशन रेड्डी की जगह नया अध्यक्ष बनाना है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन हो गया, सो उनकी जगह भी अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। पंजाब में राज्य सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 हफ्ते बाद भी अपने मंत्रालय का कामकाज नहीं संभाला है। वे 2 बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 2 बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं, पर कोई नतीजा नहीं निकला है। अब ऐसा लग रहा है कि कैप्टन और सिद्धू का विवाद थोड़े दिन और लंबित रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। यह भी बताया जा रहा है कि वे अपनी मां सोनिया गांधी के साथ लंदन जा रहे हैं। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी कैप्टन और सिद्धू का विवाद सुलझा सकते हैं, पर लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद सुलझने की बजाय और उलझ गया। दोनों अपने स्टैंड पर अड़े। कैप्टन कह रहे हैं कि वे सिद्धू को स्थानीय निकाय का मंत्रालय नहीं देंगे और सिद्धू अड़े हैं कि वे ऊर्जा मंत्रालय नहीं संभालेंगे। इस चक्कर में कामकाज का नुकसान हो रहा है और पार्टी में बिखराव बढ़ता जा रहा है। सोनिया और राहुल गांधी को चाहिए कि इस मामले में दोनों को बैठाकर मामला सुलझाए। मुश्किल यह है कि राहुल और प्रियंका की सहमति से सिद्धू कांग्रेस में आए और दूसरी ओर कैप्टन सोनिया के अलावा कांग्रेस में किसी को कुछ समझते नहीं। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं दे रही है? अनेक शहरों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बदलने को पिछले कुछ दिनों में मंजूरी मिली। पहले राज्यों के नाम भी बदले ही जा चुके हैं, पर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की इजाजत नहीं दे रही है, जबकि राज्य की विधानसभा में इसका प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जा चुका है। ममता बनर्जी की सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल नाम राज्य के अनुकूल नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि जब देश में 2 बंगाल थे तब पूर्वी और पश्चिम बंगाल उनका नाम था, पर जब पूर्वी बंगाल अलग देश बन गया तो पश्चिम बंगाल नाम रखने का कोई मतलब नहीं। यह बहुत वाजिब तर्क है। सरकार का कहना है या तो नाम सीधे बंगाल कर दिया जाए या बांग्ला रखा जाए। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि दोनों नाम ऐसे हैं जिनसे बांग्लादेश का आभास होगा, सो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल आएगी, पर असली कारण अस्मिता की राजनीति को माना जा रहा है। भाजपा के नेता मान रहे हैं कि अगर नाम बदला गया तो इससे भाषा की अस्मिता की राजनीति मजबूत होगी, जो जिसका फायदा ममता बनर्जी को हो सकता है, तभी प्रस्ताव लंबित है। हाल फिलहाल की सुर्खियों में, बहस में, जिस बात ने आपके जहन में पेठ बनाई है उसका भला क्या मतलब है और क्या है उसका और छोर? सो क्यों ने अब जाना जाए आज का खुलासा। राज्यसभा में चुनाव सुधारों को लेकर बुधवार को अच्छी चर्चा हुई। सभी पार्टियां इसमें शामिल हुई और बिना शोर शराबे के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। ऐसी चर्चा अच्छी होती है क्योंकि इसमें से ही कुछ रास्ता निकलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों अगर अपनी पार्टियों का एजेंडा छोड़ें और पूर्वाग्रह छोड़कर सुझाव दें तो चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है, पर पहली बहस में वो पूर्वाग्रह खत्म होता नहीं दिखा। सत्ता पक्ष के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव के एजेंडे पर ही बोलते रहे तो दूसरी ओर विपक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कमी बताता रहा और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग अड़ा रहा। तभी उच्च सदन में चुनाव सुधार पर हुई पहली गंभीर चर्चा इन दो मुद्दों के बीच झूलती रही। इसके बावजूद इनमें कुछ अच्छे सुझाव दिए गए जिन पर चुनाव आयोग अमल करे तो कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां इस सत्र में और आगे भी चुनाव सुधार पर चर्चा का नोटिस देती रहेंगी। वो जानबूझकर नोटिस में ईवीएम का जिक्र नहीं कर रही हैं क्योंकि ईवीएम का जिक्र होने पर सरकार शायद चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी। ईवीएम का जिक्र किए बगैर चुनाव सुधार पर चर्चा का नोटिस देकर चुनाव कराना भी अच्छा उपाय है। इस पर सरकार, चुनाव आयोग, आम लोग और कुछ हद तक न्यायपालिका का ध्यान खींचने के लिए। बहरहाल पहली बहस से उम्मीद बंधी है कि आगे इस पर और सार्थक चर्चा होती रहेगी।
चुनाव सुधार भारत के लिए गंभीर और प्राथमिकता का सवाल होना चाहिए। इसी तरह ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस को सुलझाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। ध्यान रहे, जिस दिन उच्च सदन में इस पर बहस होनी थी उससे ठीक पहले देश के 50 से ज्यादा प्रबुद्ध नागरिकों ने, जिनमें ज्यादातर रिटायर आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने एक खुली चिट्ठी लिखी और दावा किया कि लोकसभा का पिछला चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था और उसमें नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ी थी। अधिकारियों की इस चिट्ठी में जो चिंताएं जताई गई हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ और वो भी प्रधानमंत्री के स्तर पर। प्रचार में भड़काऊ कंटेंट का इस्तेमाल किया गया और खर्च की सीमा का भी पालन नहीं हुआ। उन्होंने ईवीएम का सवाल भी उठाया। संसद में इन बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर चुनाव आयोग को कैसे स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाया जाए कि वो चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भेदभाव ना कर सके। चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष में साधनों के इस्तेमाल का जो फर्क होता है उसे भी दूर करने पर विचार किया जाना जरूरी है। चुनाव आयोग को तटस्थ और निष्पक्ष बनाने का एक सुझाव कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से दे रही है। कांग्रेस का सुझाव है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदली जाए। अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सीधे सरकार कर देती है। कांग्रेस चाहती है कि उनकी नियुक्ति सीबीआई निदेशक, सीवीसी या लोकपाल की नियुक्ति जैसी होनी चाहिए, यानी उसमें न्यायपालिका और विपक्ष की भी भूमिका बने। हालांकि उसके बाद भी निष्पक्षता की गारंटी नहीं होगी, पर यह वास्तविक सुधार की दिशा में उठा एक कदम होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने बुधवार की बहस में एक अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से 6 महीने पहले केंद्र और राज्यों की सरकार को हटा देना चाहिए। बांग्लादेश में ऐसा होता है। राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाकर चुनाव कराने का सुझाव भी अच्छा है, पर जब तक संस्थाओं पर नियंत्रण रखने की सरकारों की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी तब तक ऐसी व्यवस्था में भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता बहाल हो और चुनाव आयुक्तों या दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में सिर्फ मेरिट को ही प्राथमिकता दी जाए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से चुनाव सुधारों पर कई सुझाव दिए गए। सारे चुनाव एक साथ कराने से लेकर पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची बनाने का सुझाव दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक मतदाता सूची बनाने का सुझाव पहले दिया था। कई सुझावों पर पक्ष और विपक्ष एक राय भी है। इससे लगता है कि छोटे छोटे सुधार तो हो ही जाएंगे पर बड़ी बातों पर सहमति नहीं बनेगी। विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर अड़ा है और सरकार ईवीएम के सहारे पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इन दोनों को लेकर टकराव चलता रहेगा, इस पर आम सहमति नहीं बन पाएगी। फिर भी अगर चुनाव आयोग की शक्तियों, आचार संहिता के उल्लंघन से निपटने के प्रभावी तंत्र के निर्माण और खर्च को नियंत्रित करने जैसी बातों पर भी सहमति बने तो काफी सुधार हो जाएगा। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।